गोवर्धन थाना के गांव अन्योर में लगातार बढ़ रही चोरी व लूट की घटनाओं को लेकर महिला एवं पुरुषों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, जहां ग्रामीणों का कहना है कि हाल ही के कुछ दिनों में गांव व गांव के बाहर बने हाईवे पर लगातार लूट व चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी कुछ दिनों में ही हाईवे से चोरों ने करीब आधा दर्जन ग्रामीणों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है। ग्रामीणों के मोबाइल, नकदी सहित अन्य कीमती सामान लूट कर ले फरार हो जाते हैं। वहीं गांव से कई मोटरसाइकिल भी चोरी हुई हैं, जिनकी थाना गोवर्धन में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। ग्रामीणों का कहना है कि जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है, तब से पुलिस ने इधर गश्त लगाना ही बंद कर दिया है। यहाँ पे क्या चोरी हो रही है, धुआंधार, कोई कुछ भी नहीं हो रहा है। और खेत में गया था मैं, तो वहाँ से खेत से खाली मोटरसाइकिल खड़ी करके आया हूँ, तो इतने देर में चोरी हो गई है। और भी चोरी, कोई मोटर, बहुत सारी चोरी हो रही है। कोई लूट मार कर रहा है, कोई कुंडलों को ले जा रहा है, मतलब सब हो रही है, कुछ नहीं, कार्रवाई हो रही है। तो इसकी शिकायत तुमने पुलिस में कही, अपनी रिपोर्ट भी की है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चलो लगाते हैं काम, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे पुलिस गश्त वश्त कर रही है? नहीं, गश्त वश्त नहीं, आते हैं सीधे चले जाते हैं, मतलब कोई कार्रवाई सही तरीके से नहीं हो रही है। ये हमारे गांव में और आसपास के जितने भी गांव हैं, सभी गांवों में लगातार बाइक चोरी की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। पिछले 8-10 दिन में 8-10 बाइकें तो यहीं एक ही आने और गांव से उठ चुकी हैं, और बार बार की हमारे पास में खबर है, बरौली से आपका देविया नगला है, कौणेर है, दादा कुंड है, गोवर्धन है, सभी जगह से लगातार बाइक उठ रही हैं। पर अब तो उनकी दिनों दिन हिम्मत बढ़ती जा रही है। पहले तो केवल चोरी कर रहे थे, अब तो हथियार के दम पर उठा के लेके जा रहे हैं। प्रशासन ने अभी तक एक भी गाड़ी कोई बरामद नहीं की है। या गश्त पुलिस की होती है कुछ? गश्त वगैरह आप आओ निकल जाओ, गश्त एक अलग मैटर है, लेकिन पुलिस अगर चाहे तो बरामद कर सकती है। सभी सब लोग जानते हैं कि ये ज्यादातर जितनी बाइकें चोरी होती है यहाँ पे आसपास के क्षेत्र में, वो सारी की सारी मेवात में जाती है। प्रशासन चाहे तो आराम से उनको बरामद भी कर सकता है।